हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर आ चुका है। हमको लगता है हर एक नया आइडिया जो किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो एक नए स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सकता है। और विश्वास मानिए, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। जब किसी ने सोचा था कि ऑनलाइन अगर फूड डिलीवरी हो जाए, हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और घर तक फूड आ जाए, तो किसी को पता था क्या जोमेटो स्विगी इतने करोड़ों रुपये के मॉडल बन जाएंगे? अगर मैं बात करूं तो आपका हर आइडिया जो आपके दिमाग में आता है और आपको लगता है कि वो स्केलेबल हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि शादी.com या जीवनसाथी.com आ जाया। पहले भी तो कुछ ना कुछ मीडिएटर रहते थे जो इस साइड से भी कमीशन लेते थे, उस साइड से भी कमीशन लेते थे और अपना बिजनेस चलाते थे। लेकिन जब किसी ने इसको देखा कि क्यों ना ये जो चीज़ ऑफलाइन चल रही है, लोगों को मैरिज के लिए राइट पार्टनर चाहिए रहता है, राइट पार्टनर के लिए राइट रिपोर्ट चाहिए रहती है, उसका बैकग्राउंड जानना रहता है, तो क्यों ना यहाँ पे एक तरफ की जो कस्टमर का निश है, कस्टमर की नीड है, उसको ऑनलाइन पोर्ट्रे किया जाए। अगर हम बात करूँ मेक माई ट्रिप की, बात करें ओयो की, बात करें तो आप और हम जब भी किसी हिल स्टेशन पे या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते थे तो हमको एक अच्छा होटल चाहिए रहता था, डेट वी नीड, जो उस पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट का कोई ऑटो वाला हो गया, कोई भी वहाँ का गाइड हो गया, वो हमको होटल गाइड करता था और वो होटल से एक पर्टिकुलर कमीशन लिया करता था। तो इसका मतलब मेक माई ट्रिप या गो आई वीवो या आपका ओयो, ये कोई नया मॉडल नहीं है, ये बेसिकली ऑफलाइन ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल बात करूं कि एक ऑटो वाला पर्सन ऑन एनी ऑफ द टूरिस्ट प्लेस होटल से कमीशन चार्ज करता था 200 रुपये पर कस्टमर, इनटू एक दिन में वो 3 या 4 कस्टमर्स को अलग अलग होटल सिक्योर कर रहा था, तो उसकी एक दिन की कमीशन होती थी 1000 अप्रोक्स। अब किसी ने इस मॉडल को देखा कि एक ऑटो वाला इन अ पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस अर्निंग 1000 पर डे, इसका मतलब उस टूरिस्ट प्लेस पे अगर ऐसे 100 ऑटो वाले हैं तो इसका मतलब 100 × 1000 मतलब 1 लाख का बिजनेस सिर्फ होटल रेफरेंस से जनरेट हो रहा था। अब उन्होंने बोला ये तो 1 लाख का बिजनेस एक दिन का है, × 30 = 30 lakhs एंड देन × 12 = 3 crore 60 lakh का बिजनेस एक टूरिस्ट प्लेस से, जो ऑटो वाले हो गए या गाइड वाले हो गए जो भी होटल रेफरल करते थे, तो 3 crore 60 lakh का बिजनेस एक टूरिस्ट प्लेस पे सिर्फ रेफरल अमाउंट आई एम अज्यूमिंग जस्ट 200 टू रेफर अ गुड होटल, टू लेट द टूरिस्ट टू अ गुड होटल, 3 crore 60 lakh का बिजनेस। MMT, गो आई वीवो, ओयो ने क्या करा? ऐसी एक टूरिस्ट प्लेसेस नहीं, ऐसी 100 टूरिस्ट प्लेसेस ले ली इंडिया की, जहां पे अच्छे होटल विथ ऑल द आइटनरी की होटल क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या रूम है, इन सबको ऑनलाइन लिया है। अब क्योंकि इन सबको वो ऑनलाइन लिया है तो 3.6 crore × 100 तो ये बिजनेस हो गया 360 crore का, सिर्फ रेफरल का बिजनेस। अगर मैं ओला के बारे में बात करूँ, अगर मैं उबर के बारे में बात करूँ, अगर मैं जुगनू के बारे में बात करूँ, तो हर ऑटो वाला अपनी मनमानी कीमत चार्ज कर रहा था, तो क्यों ना कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए कि ऑटो वालों की ऑटो भी उनकी रहेगी, पेट्रोल भी वो इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ एक ऐसा कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर नीड सेटिस्फेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे ऑटो वाले अपनी ऑटो चलाते रहे, बस उनसे एक रेफरल कमीशन किसी एक बहुत बड़ी कंपनी को आ जाए और अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर कंपनी, चाहे वो ओला हो या उबर हो, उसने पूरे मार्केट पे 1000 crore का राज कर लिया। नाउ दिस इज द स्टार्टअप थिंग। तो सर, जब भी हम कोई खुद का स्टार्टअप आइडिया लाते हैं तो क्या हमको लगता है वो स्केलेबल होगा? यस, होगा। डायनाउट जो स्टार्टअप था वो कुछ फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था, जो आज इतना बड़ा स्टार्टअप हो चुका है और उसका वैल्यूएशन मल्टी बिलियन में हो चुका है। तो सर, आइडिया तो आता है, लेकिन आइडिया के बाद क्या? अब आइडिया के बाद मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि सिर्फ आइडिया पे स्टक मत रहो, आपको चेक करना है कि वेदर डेट आइडिया इज फीजेबल और नॉट। तो हमेशा ये 4 मॉडल तैयार करो जिनके बारे में मैं अभी तो सिर्फ मॉडल्स के नाम बता रहा हूँ, इन डिटेल एक और वीडियो बनाऊंगा इन पूरे मॉडल को स्पेसिफाई और कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट इज कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल हमेशा इस लेवल में बनता है कि जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी पर कस्टमर कॉस्ट कितनी लग रही है। मतलब लेट्स एग्जांपल, अगर मैं एक मोबाइल कवर ऑनलाइन बेच रहा हूँ तो उस मोबाइल कवर का एक कवर मुझे कितने का पड़ेगा पर कस्टमर और पर यूनिट कॉस्ट, वही चीज पर यूनिट में कितने की बिकती है, कम्स आउट विद द सेकंड मॉडल, दैट इज द रेवेन्यू मॉडल। जब आप, जैसे अभी मैंने आपको जब समझाया MMT का मॉडल, तो मैंने बोला पर रेफरल 200 रुपये कमाते थे, 200 × 1 दिन में ऑटो वाला 4 या 5 रेफरल कमीशन मिल जाती थी, तो 200 × पर डे का मल्टीप्लाई करा, फिर पर डे का पर मंथ में लाया, फिर पर मंथ का आप ईयर में लिखे गए। सो दिस इज वॉट
रेवेन्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल वर्क. थर्ड इज यू शुड वर्क ऑन मार्केटिंग मॉडल, कि जो मॉडल आपने बनाया है उसका मार्केट छोटे से लेके कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा कर सकते हो आप, और उसकी मार्केटिंग किस लेवल पे करोगे, क्या ऑनलाइन लेवल पे करोगे, इंस्टाग्राम पे करोगे, फेसबुक पे करोगे, कि ऑफलाइन पे करोगे, ऑफलाइन में किस प्रकार से कुछ कमीशन सेल्स एजेंट करोगे, कि होर्डिंग्स लगाओगे, कि किस प्रकार से कस्टमर बेस विद द न्यू रेफरल विद द न्यू व्हाट्सएप ग्रुप कमाओ. थर्ड इज मार्केट लेवल. फोर्थ इज वेरी ग्राउंडेड लेवल, वेरी ग्राउंडेड लेवल एक फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करनी पड़ती है, कि अगर लेट से मैं इस मॉडल को चाह रहा हूँ कि ये चीज 1,000 लोग खरीदेंगे, तो क्यों ना एक ट्रायल एंड एरर करके देखा जाए, 10 लोगों को ये चीज बेचने की कोशिश की जाए. हम जब मॉडल बनाते हैं तो हमको लगता है 1,000 लोग उस चीज को यूं खरीद लेंगे, लेकिन जब उस चीज को बेचने जाते हैं तो हमको 10 कस्टमर फाइंड आउट करना भी मुश्किल पड़ जाता है. एंड हियर कम्स द जैकपॉट पॉइंट. जिसको लगता है, जो ट्रायल एंड एरर करना चाहता है, बहुत कम कॉस्ट में ट्रायल एंड एरर हो जाता है, तो उस कम कॉस्ट में ट्रायल एंड एरर बहुत सारे ऐसे इनपुट लेके आता है जो इनपुट हमने पहले सोच के नहीं रखे थे, और यहाँ पे हमारे बिजनेस मॉडल की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है. लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर बहुत लेट होता है, मैं तो बोलता हूँ पहली स्टेज ही, आइडिया आया, आपने 1-2-3 दिन का टाइम लिया कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल बनाने के लिए, एंड बाय द 7th डे यू शुड स्टार्ट अ ट्रायल एंड एरर एट अ वेरी निश सेगमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द स्टार्टअप सीरीज. बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स के बारे में, उनके कॉस्ट मॉडल के बारे में, रेवेन्यू मॉडल के बारे में. तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.